चलो ठीक है अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास तो देखो सुनो लास्ट वाली क्लास में हमने है ना इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था और इंट्रोडक्शन में है ना वैसे तो मैंने तुम्हें बताया था एमसीक्यू के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं लेकिन इंट्रोडक्शन में है ना एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिस पर थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है और वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट तो हमने जो डिस्कशन किया था मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑपरेशन मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट करने के लिए और साथ में है ना जो ऑब्जेक्टिव है वो वहां पर दो ऑब्जेक्टिव्स थे एक ऑब्जेक्टिव तो था सर्विस का यानी कस्टमर को सर्व करना और दूसरा था जो ऑप्टिमम रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन करना ठीक है उसके बारे में थोड़ा याद कर लेना क्योंकि वो एग्जाम में फिर भी क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी का बाकी जो भी उसके बाद में पॉइंट्स गिवन थे ना रीसेंट ट्रेंड्स वगैरह उस पर है ना एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वहां से तो जैसे मैंने कल तुम्हें एक एक्जाम्पल दिया था वो फ्लेक्सीबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को एजाइल मैन्युफैक्चरिंग भी बोला जाता है तो वहां पर वो उस तरह से एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छा फर्स्ट चैप्टर जो हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जब भी मैं प्रैक्टिकल चैप्टर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब उस चैप्टर से है ना कभी थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आया वहां से वहां से है ना हमेशा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आया है तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा डिमांड फोरकास्टिंग तो डिमांड फोरकास्टिंग स्टार्ट करें हम आज अच्छा दोनों वर्ड्स का मीनिंग तुम्हें पता है डिमांड का मतलब कस्टमर क्या चाह रहा है कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर की रिक्वायरमेंट और डिजायर वो कहेंगे हम डिमांड और फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है फ्यूचर का प्रिडिक्शन ठीक है फ्यूचर का प्रिडिक्शन कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है अच्छा अगर हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेंगे तो उससे फायदा क्या होगा हमें यह पता लग जाएगा कि कितनी यूनिट का प्रोडक्शन होना है हमें यह पता लग जाएगा कि कितनी यूनिट्स हमें रॉ मटेरियल चाहिए कितनी मशीनरी चाहिए कितना स्पेस चाहिए कितने वर्कर्स चाहिए कितना फंड चाहिए हमें उनके बारे में पहले से ही पता लग जाएगा और हमारे लिए एक तरह से तुम समझोगे ना तो एक तरह से प्लानिंग हो गई डिमांड फोरकास्टिंग एक तरह की प्लानिंग हो गई अब प्लानिंग करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फ्यूचर में होने वाली जो डेफिनेटली होने वाली है ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ्यूचर सर्टेन हो तुम्हें फ्यूचर के बारे में पहले से ही पता हो लेकिन अगर तुम प्लानिंग कर लेते हो ना तो फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज से जो नुकसान होने वाला है उसको कम किया जा सकता है जीरो नहीं कर सकते कि फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन इवेंट अकर हुआ और हमने उसको जीरो कर दिया लेकिन उस अनसर्टिनिटी से जो भी कुछ नुकसान होने वाला है तुम तो उसको रिड्यूस कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से हम फोरकास्टिंग को पढ़ते हैं अच्छा फोरकास्टिंग में यहां पर बात की जाती है कि फोरकास्टिंग तीन अलग अलग तरह की होती है एक तो होती है शॉर्ट रेंज एक होती है मीडियम रेंज और एक होती है लॉन्ग रेंज देखो यहां पर लिखा हुआ है शॉर्ट रेंज होती है शॉर्ट रेंज चलती है टू वीक्स के लिए या कपल ऑफ मंथ्स के लिए यानी एक दो महीने के लिए इससे ऊपर नहीं मीडियम रेंज चलती है थ्री टू सिक्स मंथ्स वन ईयर टू ईयर भी हो जाता है मीडियम रेंज के अंदर और एक होता है लॉन्ग रेंज तो तीन चार पांच साल दस साल इस तरह से वो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग होती है अब फोरकास्टिंग जो हम करते हैं ना ये शॉर्ट रेंज है या मीडियम रेंज है या लॉन्ग रेंज है इसके पीछे एक डिसीजन होती है एक डिसीजन मेकिंग होती है डिसीजन ये होता है कि हम फोरकास्टिंग कर क्यों रहे हैं ठीक है थेके? जैसे कि अगर मैं वर्किंग कैपिटल के लिए फोरकास्टिंग कर रहा हूं तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है डेली डेली एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन के के और अगर मैं के लिए अगर मैं लिए कुछ फोरकास्टिंग कर रहा हूं तो वो शॉर्ट रेंज में ही होगा कि कल क्या खर्चा होने वाला है परसों क्या खर्चा होने वाला है है ना तो वो शॉर्ट रेंज में ही होगा लेकिन मैं अगर है ना और किसी चीज के जैसे मान लो मैं बजट बनाना चाहता हूं तो बजट रोजाना के लिए बजट बनाए जाते हैं क्या कि कल का बजट क्या होगा बजट बनाए जाते हैं एक साल के लिए ठीक है डिविडेंड ऑर्गेनाइजेशन में डिविडेंड पे किया जाता है साल में एक बार तो अगर मैं उसके लिए कुछ पॉलिसीज बना रहा हूँ तो उसको मैं डालूंगा मीडियम रेंज के अंदर लेकिन मान लो मेरे को मशीनरी परचेज करनी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो मैं ऐसी मशीनरी परचेज करना पसंद करूँगा जो दो तीन दिन में ख़राब हो जाए या जो साल दो साल में खराब हो जाए नहीं मैं ऐसी मशीनरी परचेज करना पसंद करूंगा जो पाँच दस बीस साल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकूँ मैं ऐसे वर्कर्स को रिक्रूट करना पसंद करूंगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो अगले पांच सात साल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें ऐसी जगह फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना या ऐसी जगह अपना इंस्टीट्यूट लेना पसंद करूंगा जगह जहां पर मैं अगले पांच सात साल दस साल काम कर सकूं तो क्या हमारा पर्पज है उसके अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग का पीरियड डिसाइड होता है तो यहां पर कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इसको इसमें कुछ खास नहीं है सर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में क्या होता है जैसे कितने मटीरियल की रिक्वायरमेंट है क्योंकि मटीरियल हम है ना एक साथ मंगाकर नहीं रखते जैसे मान लो तो मेरे को पूरे साल में है ना मेरी किराने की दुकान है और पूरे साल में मेरे किराने की दुकान पर 500 किलोग्राम शुगर सेल हो रही है तो मैं 500 किलोग्राम शुगर एक साथ नहीं मंगा के रखूंगा मैंने आज 100 किलोग्राम्स मंगा ली दो तीन महीने तक काम आ जाएगी फिर मैंने और 100 किलोग्राम मंगा ली फिर दो तीन महीने काम आ जाएगी एक दो महीने काम आ जाएगी मैं इस तरह से मंगा कर रखूंगा तो इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन शॉर्ट रन में होगा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यानी आपने जो फिनिश गुड्स बना लिए उनको डिस्पैच करने के लिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है डिस्पैच के लिए आप डिस्पैच के लिए कौन सी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यूज करने वाले मान लो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है आपकी है ना है ना ना मैं शॉप पर पर है 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 एक एक ऑनलाइन ऑनलाइन भी चलता है आपका तो मैंने आपके आपके वहां ब्लूटूथ ईयरफोन बुक करवाया अब आप उसके लिए आपके पास में बहुत सारे विकल्प होने चाहिए तो आप मोटरसाइकिल प्रीफर करोगे गाड़ी प्रिफर करोगे ट्रक प्रीफर करोगे क्या प्रीफर करोगे मोटरसाइकिल ब्लूटूथ हेडफोन मोटरसाइकिल पर बैग में डाला और आपको डिलीवर कर दिया लेकिन अगर मैं टीवी मंगाता हूं तो फिर थोड़ी बड़ी टेम्पो ट्रक मिनी ट्रक टाइप प्रेफर करोगे अच्छा ये डिसीजन लेना है तो इस डिसीजन को लेने में कितना टाइम लगेगा एक साल दो साल कि मैं आज ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं टीवी का बोला हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है ना दो साल बाद आएगा मिनी ट्रक टीवी नहीं आएगा दो साल बाद हम आपको पहुंचा देंगे नहीं ना जल्दी से जल्दी एक दिन में दो दिन में तुम डिसाइड कर लोगे कि क्या करना है किस तरह से आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो जल्दी से जल्दी कर रहे हो तो इस शॉर्ट रेंज के अंदर आ गया एक वर्कर एक मशीन कितना काम करने वाली है हर रोज डिसाइड होता है हर रोज तुम्हे शेड्यूल भेजा जाता है आज मेरी चार क्लास है कल हो सकता है कि, कि किसी मान लो कोई टीचर छुट्टी कर लिया तो उसकी जगह मेरी क्लास लगा दी तो मेरी पांच क्लास हो गई हो सकता है कि कल मेरी क्लास ही नहीं होगी मैं छुट्टी कर लिया तो ठीक है तो हर रोज डिसाइड किया जा रहा है शेड्यूल हमारा अच्छा मैन का भी किया जाता है मशीन्स का भी किया जाता है वर्किंग कैपिटल शॉर्ट रेंज में रिक्वायरमेंट होगी उसके अलावा सेटअप हम है ना कुछ भी जैसे हम क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का सेटअप करते हैं कि कितने स्टूडेंट बैठने वाले हैं कि ये सारा कुछ सेटअप यहाँ पे किया जाता है तो क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का सेटअप किया जाता है इसमें टाइम लगना चाहिए क्या टाइम लगना चाहिए कि दो साल साल चार साल लग जाएंगे क्लास तो अभी स्टार्ट करनी है कल परसों दिन बाद ही स्टार्ट करनी है लेकिन सेटअप करने में पांच साल लग जाएंगे नहीं तो जल्दी से जल्दी किया जाता है इन चीजों को सेल्स कोटा फिक्स किया जाता है उसके अलावा ओवर टाइम जो है ना ओवर टाइम भी है ना शॉर्ट रेंज में ही होता है आप है ना लगातार ओवर टाइम नहीं करवा सकते आप अपने वर्कर से आज किसी टीचर ने छुट्टी कर ली मेरी एक घंटा क्लास एक्स्ट्रा लगा दी ठीक है एक्सेप्टेबल है कल कर ली तो भी लगा दी एक टीचर ऐसा मान लो कि एक सर है तो बाहर चले गए ऐसा मान लो दो महीने के लिए अब बोलेंगे सर आप उनकी जगह दो महीने आप ही क्लास लेते रहो तो मेरे को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी मैं ओवर टाइम का चार्ज करना स्टार्ट कर दूंगा और ओवर टाइम का चार्ज होता है ऑलमोस्ट डबल होता है फिक्स पे से बेसिक पे जो होती है उससे ऑलमोस्ट डबल होता है अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि डबल पेमेंट करे क्योंकि डबल पेमेंट करे तो खर्चे बढ़ेंगे तो वो क्या करती है ओवर टाइम करवाती है लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए ओवर टाइम किया जाता है ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए ओवर टाइम नहीं किया जाता है मीडियम रेंज में मीडियम रेंज में जैसे आ गया बजट वगैरह आ गया आप बजट बनाते हो मीडियम रेंज के लिए बनाते हो डिविडेंड वगैरह आप पॉलिसीज बनाते हो मीडियम रेंज के लिए साल में एक बार डिविडेंड देना होता है कई ऑर्गेनाइजेशन दो बार भी दे देती है लेकिन ज्यादातर साल में एक बार अच्छा जो हमारी मशीनरी वगैरह होती है उनकी सर्विस मेंटेनेंस करवाना एसी का मेंटेनेंस करवाया जाता है घर में कितनी बार साल में एक बार ठीक है जैसे तुम्हारी गाड़ी की सर्विस करवाते हो तुम कितनी बार करवाते हो साल में एक बार या ज्यादा से ज्यादा दो बार तो छह महीने का पीरियड हो गया तो छह महीने किस रेंज में आ गया मीडियम रेंज के अंदर आ गया ठीक है शेड्यूल वगैरह बनाना कैपेसिटी एडजस्टमेंट अच्छा कैपेसिटी शेड्यूलिंग वगैरह देख लो जैसे है ना अब तुम्हारा जो शेड्यूल जो एक बार अभी फिक्स हो जाएगा थोड़े दिन सात आठ क्लास एक बार स्टार्ट हो जाए तो एक शेड्यूल फिक्स हो जाएगा कि सुबह आठ बजे से लेकर शाम को तीन बजे तक क्लासेस है और वो है ना ओवर द नेक्स्ट फाइव सिक्स मंथ तक चलता रहेगा क्योंकि तुम्हारा कोर्स भी कंप्लीट करवाना है तो एक साथ छः सात आठ क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ेगी तो फाइव सिक्स मंथ्स तक चलता रहेगा वो शेड्यूल तो वो शेड्यूल फाइव सिक्स मंथ्स जा रहा है तो उसको मीडियम रेंज के अंदर कर रहे हो और कैपेसिटी एडजस्टमेंट कैपेसिटी एडजस्टमेंट ऐसा होता है जैसे मान लो तुम लोगों के ना फाउंडेशन में कम पढ़ाई करने की जरूरत पड़ी क्योंकि चार सब्जेक्ट थे इंटर में ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी आठ है फाइनल में और ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सब्जेक्ट तो आठ है लेकिन उसमें बहुत सारे पार्टीशंस है तो वहां पर है ना अगर तुम कंबाइन करना स्टार्ट करोगे तो बारह तेरह सब्जेक्ट के आसपास पड़ जाता है अभी भी तुम्हारे नाइन सब्जेक्ट्स है अगर वैसे तुम हिसाब से देखोगे तो एक तरह से वो DTI, DT, दो अलग अलग वैसे तो एक ही है लेकिन वो दो अलग अलग सब्जेक्ट की कैटेगरीज पर तो कैपेसिटी एडजस्टमेंट का मतलब है आप शॉर्ट रेंज में कर लेते हो जैसे छह महीने हम ज्यादा काम करते हैं छह महीने हमारा काम कम हो जाता है सीजनल वर्कर्स में भी ठीक है नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होती है दिसंबर वाले बैच में नंबर ऑफ क्लासेस कम होती है जून वाले बचेस के अंदर ठीक है दिसंबर दिसंबर और यानी मैं तो स्कूलिंग वगैरह की क्लासेस भी लेता हूँ तो वहां पर क्या होता है कि मार्च तक चलेगा लास्ट उसके बाद बंद हो जाएगा फिर अप्रैल मई में कुछ कुछ बच्चे आना स्टार्ट होंगे फिर वो भी एक दो दिन पंद्रह दिन आएंगे फिर छुट्टी पर भाग जाएंगे वो लोग डेढ़ महीने की छुट्टी पर फिर आएंगे जून जुलाई के अंदर तो ये क्या होता है, है मैं कैपेसिटी एडजस्ट कर रहा हूं फिर उनके अकॉर्डिंग अपनी ठीक है तो कैपेसिटी एडजस्टमेंट मीडियम रेंज के अंदर आ जाता है अच्छा लॉन्ग रेंज जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है जैसे प्लांट खरीदा मशीन खरीदी फैक्ट्रीज खरीदी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है तो हम उसके लिए क्या प्लान करते हैं कि अगले दस बीस साल काम आए वो हमारे हो तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्लान करती है ना अगले दस साल में सेल हम डबल कर देंगे अगले पांच साल में सेल हम डबल कर देंगे तो अगले पांच साल दस साल के बारे में बात कर रहे हो तो वही लॉन्ग रेंज के अंदर आ गया फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट आपको फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी आज जैसे ऐसा मान लो आपने छोटा काम स्टार्ट किया कोई स्टार्टअप है तो आपका दो चार लोगों में काम चल रहा है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपका बड़ा काम होगा तो आपको नंबर ऑफ की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी लेकिन वो ओवर द नियर फ्यूचर होने वाला है दो चार पांच साल में होने वाला है मटीरियल की रिक्वायरमेंट लेकिन ये मटीरियल है ना ऐसे के लिए ही है कि अगर कोई नॉन सीजनल प्रोडक्ट हो और कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो जिसका नॉन सीजनल एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए ही है ये अच्छा नॉन सीजनल कंटिन्यूअस प्रोडक्शन जैसे कि आटा नॉन सीजनल प्रोडक्ट है कंटिन्यूस प्रोडक्शन होते रहना चाहिए सॉल्ट नॉन सीजनल प्रोडक्ट कंटिन्यूस प्रोडक्शन जैसे कि शुगर नॉन सीजनल प्रोडक्ट कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जिनका कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होता रहता है तो अगर कंटिन्यूअसली जैसे मान लो कि आप है ना एक फ्लोर मिल लगाते हो या आप है ना ऐसा मान लो कि आप एक ऑयल आप एक ऑयल माइन परचेज करना चाहते हो ऑयल माइंड या आप एक मान लो स्टोन माइन परचेज करना चाहते हो तो वो अगले दस बीस सालों तक के लिए उसमें मटीरियल होने चाहिए वहां पर या कुछ ऐसा इस तरह से आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ था कि है ना जब बाड़मेर में बाड़मेर में ऑयल मिला क्रूड ऑयल मिला बाड़मेर के अंदर वहां पर रिफाइनरी लगी और रिफाइनरी पचपदरा रिफाइनरी बोला जिसको ओएनजीसी ने लगाया बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें तो है ना बाड़मेर में जब ऑयल खोजा जा रहा था ना तो एक गांव में और मिला था ऑयल लेकिन एक गांव में इतना ही ऑयल था कि वो अगले डेढ़ साल तक डेढ़ साल में वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जहां पर वो डेढ़ साल के लिए ऑयल मिला था ना यानी इतना क्वांटिटी मिली थी कि डेढ़ साल ही काम आएगा या डेढ़ साल में सारा का सारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा वहां पर कुछ नहीं किया गया क्योंकि वहां पर सेटअप करने का इतना ज्यादा खर्चा आता था, था जिससे जिससे यानी तुम ऑयल निकाल कर उसको सेल करते ना, उसमें कुछ भी नहीं होता तुम्हारा तो वहां पर प्रोजेक्ट कैंसिल किया गया फिर दूसरी जगह ढूंढे गए फिर पचपतरा में मिला वहां पर रिफाइनरी लगा दी गई वहां पर अगले चालीस साल तक के लिए तो वहां पर एक्सेप्टेबल है ये चीज क्योंकि ऑयल क्या है एक नॉन सीजनल प्रोडक्ट है और कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट रहती है उसकी

तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना तो वो शॉर्ट रेंज के अंदर आ जाएगा तो सबसे पहला काम है तुम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे कि फोरकास्टिंग करनी क्यों है किस चीज के लिए फोरकास्टिंग करनी है बजट के लिए करनी है मीडियम रेंज फ्यूचर मैन पावर के लिए करनी है लॉन्ग रेंज ठीक है नॉन सीजनल कंटिन्यूस प्रोडक्ट के लिए करनी है प्रोडक्शन के लिए करनी है लॉन्ग रेंज ठीक है तो एक बार ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा उसके साथ पीरियड भी डिसाइड हो जाएगा ठीक है एक बार ऑब्जेक्टिव पीरियड डिसाइड हुआ तो तुम ना मैथड करना स्टार्ट कर दोगे अब फोरकास्टिंग करने के कुछ मैथड्स होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे आगे लिखा हुआ है फोरकास्टिंग तो हम आगे फोरकास्टिंग करने के को डिस्कस करेंगे तो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हारी फोरकास्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अकॉर्डिंग तुमने पीरियड डिसाइड कर लिया और उस फोरकास्टिंग को करने का तरीका डिसाइड कर लिया कि कैसे फोरकास्टिंग करने, करने वाले हो क्वांटिटेटिव करने वाले हो क्वालिटेटिव करने वाले हो

ठीक है तो पास डेटा तुम्हारे पास में यहाँ जो गैदर इन्फॉर्मेशन है ना वो पास डेटा के बेस पर की जाती है अब फोरकास्टिंग करने के कुछ तरीके हैं जैसा सबसे पहला तरीका है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड सॉरी पहला तरीका है क्वालिटेटिव मेथड तो क्वालिटेटिव मेथड में है ना कोई कैलकुलेशन नहीं की जाएगी सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया जाएगा क्या क्या ऑब्जर्व किया जाता है सबसे पहला बायर का इंटेंशन यानी जो हमारा कस्टमर है ना उसके इंटेंशन के बारे में समझा जाता है कि उसको किस प्रोडक्ट की किस तरह के डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है अगर हमें एक बार ये पता लग जाए कि कस्टमर को किस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो क्या हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे नहीं हम अपनी एबिलिटीज पर भी तो देखेंगे कि हम प्रोड्यूस कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते है। ठीक है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक वेज रेस्टोरेंट है प्योर वेज रेस्टोरेंट है मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में आता हूँ मैं बोलता हूँ भाई चिकन टिक्का मसाला दे देना एक तो तुम प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दोगे नहीं तो तुम अपनी एबिलिटीज भी तो देखोगे कि तुम प्रोड्यूस कर सकते हो या नहीं कर सकते तो तुम नहीं कर सकते तो क्या करोगे मना कर दोगे तो फर्स्ट स्टेप है बायर का इंटेंशन समझना एक बार बायर का इंटेंशन समझ में आ जाता है ना तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग होते हैं लोअर डिवीजन वाले लोग जैसे या मीडियम डिवीजन भी मान लो सेल्समैन ब्रांच मैनेजर एरिया मैनेजर सेल्स मैनेजर इन लोगों से भी बातचीत की जाती है कि क्या हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते है। ठीक है एक बार इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो जैसे कि आप रेस्टोरेंट में गए आपने बोला दाल मखनी और वो ऑर्डर कॉल लेने वाला है वेटर ऑर्डर लेने वाला है वो आपकी रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद वो कहां पर लेके जाएगा मेन डिपार्टमेंट कुकिंग डिपार्टमेंट शेफ जो भी वहां पर शेफ वगैरह होगा उसको जाकर बताएगा वो तो एक बार कस्टमर का इंटेंशन डिसाइड हुआ हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोअर डिवीजन या मीडियम डिवीजन वाले लोगों से बातचीत की उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट में आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टॉप एग्जीक्यूटिव उनका ओपिनियन भी लेंगे उनके व्यूज के बारे में भी जानेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कस्टमर बोलता है कि एक नया तरह का मोबाइल फोन चाहिए जिसमें है ना थ्री पॉइंट फाइव एम एम जैक होना चाहिए बहुत सारे मोबाइल फोन ऐसे हैं जिसमें थ्री पॉइंट फाइव mm एम एम चेक नहीं सैमसंग को ये बात बोलता है अब सैमसंग को ये बात कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बारे में किससे पता लगेगा सेल्स sales, जो सेल्समैन होगा या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेल्स डिपार्टमेंट वाले लोग होंगे उनसे पता लगेगा वो जाके बताएंगे प्रोडक्शन वाले को इस तरह का चाहिए अब प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे कि वो बातचीत करेंगे अपने टॉप वालों से कि भाई हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आई है बताओ हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट करें या नहीं करें तो सबसे पहले कस्टमर का इंटेंशन समझना है दूसरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर डिवीजन या मीडियम डिवीजन वाले लोग हैं उन लोगों के ओपिनियन को समझना है और एक बार वो लोग सब जब क्लियर हो जाते है, तो जाते हैं हैं तो फाइनली हम टॉप मैनेजमेंट की तरफ उनके opinion, उनके ओपिनियन व्यूज के बारे में जाना जाता है यहां पर कुछ भी कैलकुलेशन हो रही है क्या नहीं ना हम सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं एक बार वो लोग डिसाइड कर लेते हैं अब प्रॉब्लम क्या आती है कई बार है ना टॉप मैनेजमेंट भी डिसाइड नहीं कर पाता है तो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड नहीं कर पाता है तो फिर वो क्या लेना चाहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन ठीक है तो यानी अब एक्सपर्ट ओपिनियन एक स्पेसिफिक एरिया के लिए हो जाएगा जैसे आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो आप जैसे मार्केटिंग वाली टीम से बात कर रहे हो तो मार्केटिंग मैनेजर नहीं है एक्सपर्ट उसमें एक सीएमओ होता है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होता है वो आपका एक्सपर्ट है जैसे आप प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो प्रोडक्शन मैनेजर तो एक्सपर्ट है ही लेकिन उससे बड़ा भी एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसको सीपीओ बोला जाता है चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर आप उसके व्यूज व्यूगे उसके ओपिनियन समझोगे और आप फाइनली प्रोडक्ट लॉन्च करोगे लेकिन जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा ना तो प्रोडक्ट लॉन्च ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट मार्केट में आपने प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में उतार दिया प्रोडक्ट को पहले टेस्ट किया जाता है टेस्ट किया जाता है तुमने सुना होगा कि है ना इंडिया ने एक मिसाइल बनाई अग्नि मिसाइल बनाई और उसको टेस्ट किया ऐसा नहीं मिसाइल बना के रख रखी कि जब लड़ाई होगी उसी दिन यूज करेंगे वो उसको टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अब मिसाइल एक्चुअल मिसाइल का टेस्ट होता है क्या कि हम एक्चुअल मिसाइल उड़ाते हैं और पाकिस्तान पे डाल के देखते हैं कि कितना नुकसान होता है नहीं एक्चुअल मिसाइल का टेस्ट नहीं होता प्रोटोटाइप्स का टेस्ट होना स्टार्ट होता है मिसाइल का छोटा छोटा तरह का एक बनाया जाता है छोटी मिसाइल बनाई जाती है उसको टेस्ट करना स्टार्ट किया जाता है तो प्रोटोटाइप टेस्टिंग बोलते हैं और भी चीजें होती है जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर नया अपडेट होता है जैसे व्हाट्सएप में नए अपडेट्स आए हैं तो क्या व्हाट्सएप में नए अपडेट सबके लिए स्टार्टिंग में अवेलेबल होते हैं क्या सबसे पहले की जाती है एल्फा टेस्टिंग टेस्टिंग डेवलपर्स को दिया जाता है टेस्ट करने के लिए डेवलपर्स होते हैं डेवलपर्स होते हैं उनको दिया जाता है वो टेस्ट करके उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में उसमें जो बग्स होते हैं उनको बता देते हैं अब फिर उसको दोबारा से डिजाइन किया जाता है फिर की जाती है बीटा टेस्टिंग तो व्हाट्सएप का बीटा वर्जन है ना कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होता है कस्टमर अगर डाउनलोड करना चाहे ना तो वो डाउनलोड कर सकते हैं ऑप्शनल होता है कंपलसरी नहीं है तो कस्टमर पांच सात हजार कस्टमर को दिया जाता है कस्टमर डाउनलोड करते हैं और उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं फिर उनको कोई प्रॉब्लम आती है फिर वो फीडबैक देते हैं टीम को फिर एक बनाया जाता है फाइनल वर्जन और वो ओपन मार्केट में सबके लिए लॉन्च किया जाता है तो यहां पर है ना तरीका देखो दे रखा है कि कई बार है ना कस्टमर है, सेलर जो होता है ना वो सेल करता है पार्ट ऑफ द मार्केट में छोटे एरिया में सेल करना स्टार्ट करता है और फिर धीरे धीरे उसको असेस करके वो पूरे मार्केट में ले जाकर स्टार्ट कर देता है जैसे जब पहली बार है ना लोगों को आधार कार्ड बांटे गए थे तो पहले दिन ही सब लोगों को नहीं मिल गए थे क्योंकि ये प्रोसेस होता तो पहले दिन तमिलनाडु के एक विलेज से स्टार्ट हुआ उस विलेज में रहने वाले लोगों को मिला फिर धीरे धीरे वो तमिलनाडु से धीरे धीरे और एरिया में फैलता गया और फिर पूरे इंडिया में तो इस चीज को बोला जाता है टेस्टिंग मार्केट टेस्टिंग बोला जाता है अब टेस्टिंग अलग अलग तरह की होती है वो हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पड़ेंगे तो कस्टमर के लिए जब प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं उतारा जाता है कि मार्केट में नया प्रोडक्ट बना दिया उतार दिया उसको टेस्ट करने के लिए लोगों को दिया जाता है तो ये तरीका है अब टेस्ट क्या कर रहे हैं वो ओपिनियन दे रहे हैं कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें अच्छी है क्या क्या चीजें बुरी है उन बुरी चीजों को दूर करके फाइनल वर्जन बनाकर नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा ये तो सब है क्वालिटेटिव नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या होता है हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं यहां पर और कैलकुलेशन करने के दो तरीके हैं एक तो है रिग्रेशन एनालिसिस और एक है टाइम सीरीज एनालिसिस अब रिग्रेशन और टाइम सीरीज दोनों ही स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है रिग्रेशन भी टाइम स्टैटिस्टिक्स में आता है और टाइम सीरीज भी स्टैटिस्टिक्स में आता है तो इसीलिए ना क्वांटिटेटिव मेथड को स्टैटिस्टिकल मेथड भी बोला जाता है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला मेथड हमारा रिग्रेशन एनालिसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट मेथड रिग्रेशन एनालिसिस स्टार्ट करें सबसे पहला मेथड अच्छा रिग्रेशन एनालिसिस स्टार्ट करें उससे पहले क्या तुम सब लोगों को रिग्रेशन के बारे में पता है पक्का पूछूं चलो नहीं रिग्रेशन हमेशा है ना एक चैप्टर के साथ साथ पढ़ा जाता है कोरिलेशन के साथ साथ पढ़ा जाता है क्या तुम तो मेरे को ये रीजन बता सकते हो क्या कि को रिलेशन के साथ में उसे क्यों पढ़ा जाता है उसको अलग से क्यों नहीं पढ़ा जाता है या को रिलेशन से पहले क्यों नहीं पढ़ सकते उसको कोरे, समझ कोरे नहीं आएगा तो नहीं कोरिलेशन से भी डिग्री पता लगती है डायरेक्शन डिग्री कोरिलेशन से से पता लग जाता है रिग्रेशन से वैल्यू पता लगती है देखो मैं बताता हूं मैं बताता हूं अच्छा देखो अगर हमें है ना अगर हमें रिग्रेशन समझना है ना तो हमें उससे पहले थोड़ा सा कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं एक बार तुम्हें कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूं सबसे पहले कोरिलेशन का मीनिंग देखो क्या होता है को जो वर्ड यूज किया जाता है ना को जो वर्ड यूज किया जाता है वो दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए यूज किया जाता है जैसे कंबाइंड में को यूज किया जा रहा है कोऑर्डिनेशन मैं अपने आप से तो कोऑर्डिनेशन नहीं करूंगा मैं कोऑर्डिनेशन करूंगा या तो तुम लोगों से या किसी और टीचर से तो कोऑर्डिनेशन तो को जो वर्ड यूज किया जाता है ना वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के लिए यूज किया जाता है तो को रिलेशन का मतलब हो गया दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को रिलेशन बोली जाती है तो हम अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो हम उसको किससे थ्रू डिस्क्राइब करेंगे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे को के थ्रू

एक होता है हमारे पास में एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन को भी मैं तुम्हें डेफिनेशन से समझाता हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन होता क्या है मान लो हमारे पास में दो वेरिएबल्स है एक वेरिएबल है ए एक वेरिएबल है बी ठीक है मान लो हमारे पास में दो वेरिएबल्स है एक वेरिएबल है ए एक वेरिएबल है बी अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है पॉजिटिव कोरिलेशन ये होता है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से दूसरी वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी अगर एक वेरिएबल मान लो वेरिएबल ए की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से वेरिएबल बी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी और मान लो अगर वेरिएबल बी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से ए की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी यानी दोनों वेरिएबल्स है ना सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं दोनों वेरिएबल हमारे सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो अगर दोनों वेरिएबल हमारे सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं अब इसके एग्जांपल तुम देख सकते हो एग्जांपल मैं तुम्हें बता देता हूं जैसे कि इनकम और डिमांड अगर मेरी इनकम इंक्रीज होगी अगर मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैं ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर दूंगा मान लो अभी मेरी इनकम है टेन थाउजेंड रुपीज तो मैं महीने में एक टी शर्ट परचेज करता हूं अगर मेरी इनकम थर्टी थाउजेंड रुपीज हो जाती है तो मैं महीने की दो टी शर्ट परचेस करना स्टार्ट कर दूंगा इनकम बढ़ी टी शर्ट की परचेस मैंने बढ़ा दी अगर इनकम कम हो जाएगी तो महीने की एक नहीं खरीदूंगा फिर दो महीने में एक परचेज करना स्टार्ट कर दूंगा तो इनकम डिक्रीज हुई तो डिमांड भी डिक्रीज हुई या फिर अगर इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल तुम ले सकते हो अच्छा दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल तुम ले सकते हो जैसे कि एज एज और, एज और ब्लड प्रेशर तो एज बढ़ती जाएगी ना लोगों की तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाएगा इस वजह से बीपी की बीमारी बड़े लोगों में ज्यादा होती है छोटे बच्चों में कम होती है ठीक है एज बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है ज्यादा एज होगी तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा कम एज होगी तो ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा ठीक है तो एज और ब्लड प्रेशर के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो गया पॉजिटिव रिलेशनशिप जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लो टेम्परेचर और सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स टेम्परेचर एंड सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक भी और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक भी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर और सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक के बीच में कैसा रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहां पर ले लेते हैं दो वेरिएबल्स ए और बी अगर वेरिएबल ए की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से वेरिएबल बी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है या अगर वेरिएबल बी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से वेरिएबल ए की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है यानी दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं ना तो ऐसे रिलेशनशिप को कहा जाता है नेगेटिव रिलेशन जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा डिमांड कर्व्स जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है क्यों होता है क्योंकि वहां पर दो चीजें हैं वहां पर चलती है प्राइस वहां पर हम यूज करते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो उस प्रोडक्ट की लोग डिमांड कम करेंगे और अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी अब तो मैं ना इसमें वो मत बोलना कि बोला सर बहुत सारे एक्सेप्शन एक्सेप्शन होते हैं हम की बात नहीं कर रहे हम जनरल आइडिया की बात कर करें ठीक है अगर प्राइस इंक्रीज होगी किसी भी प्रोडक्ट की तो उस प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है

क्योंकि एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इस वजह से नेगेटिव रिलेशन अच्छा ना देखो को रिलेशन को रिलेशन हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है और को रिलेशन हमें डिग्री के बारे में बता देता है वो पॉजिटिव नेगेटिव डिग्री का रिलेशन है तो को रिलेशन हमें डायरेक्शन डिग्री के बारे में बता देता है को रिलेशन के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं समझाता मान लो मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पिछले कुछ सालों का सेल्स का डेटा गिवन है जैसे मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन कहीं 2019, 20, 21, 22 भी कर लेता हूं चलो मैं मेरे को सेल्स का डेटा गिवन है अब सेल्स गिवन है मान लो कि 10 लाख, 18 लाख, 34 लाख, 63 लाख मेरे को मेरे ऑर्गेनाइजेशन की पिछले लास्ट फोर इयर्स की सेल्स का डेटा गिवन है मेरे को अब मेरे को यह बता सकते हो क्या कि 2023 में मेरे ऑर्गेनाइजेशन की सेल इंक्रीज होने वाली है या डिक्रीज होने वाली है इंक्रीज होने वाली है ये अंदाजा लगा रहे हो ना दैट इज को क्योंकि तुम सेल्स के डायरेक्शन के बारे में अंदाजा लगा रहे हो कि सेल्स इंक्रीज हो जाएगी क्या तुम यह भी बता सकते हो क्या कि इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी कि 63 लाख से इंक्रीज हुई तो 70 लाख हुई तब भी इंक्रीज है 100 लाख हुई तब भी इंक्रीज है 95 लाख हुई तब भी इंक्रीज है तो तुम मेरे को नंबर बता सकते हो क्या कि अगला सेल्स का नंबर क्या आने वाला है नहीं तो को रिलेशन हमारी है ना केवल डायरेक्शन को कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है लेकिन उस डायरेक्शन की वैल्यू कितनी आने वाली है उस डायरेक्शन से तुम किस पॉइंट पर पहुंचने वाले हो वो तुम्हें पता लगेगा रिग्रेशन से इसीलिए को रिलेशन रिग्रेशन को एक साथ पढ़ा जाता है क्योंकि को रिलेशन तुम्हारी डायरेक्शन निकालने में हेल्प करता है लेकिन उस डायरेक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करने में कौन हेल्प करेगा तो पहले तुम डायरेक्शन निकालोगे या पहले वैल्यू निकालोगे पहले डायरेक्शन निकाली जाती है इसलिए को रिलेशन पढ़ा जाता है और उसके बाद उस डायरेक्शन की वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है तो इसलिए हम रिग्रेशन को उसके बाद में पढ़ते हैं तो को रिलेशन का लिमिटेड स्कोप हो गया कि को रिलेशन हमें डायरेक्शन के बारे में तो बता देगा लेकिन हमें यह नहीं बताएगा कि उस डायरेक्शन से कहां तक पहुंचा जा सकता है तो उसको समझने के लिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन अच्छा अब मैं ये पता लगाना चाह रहा हूं कि 2023 में कितनी सेल होने वाली है 2023 नेक्स्ट ईयर है ना फ्यूचर है ना तो फ्यूचर की सेल्स के बारे में मैं आज ही पता लगा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं फोरकास्टिंग मैं टू की सेल के बारे में भी अंदाजा लगा सकता हूं टू की सेल के बारे में भी अंदाजा लगा सकता हूं लेकिन उसमें को रिलेशन मेरी हेल्प नहीं करेगा उसमें मेरी हेल्प करेगा रिग्रेशन लेकिन रिग्रेशन को पढ़ने के लिए समझने के लिए को रिलेशन की नॉलेज होना जरूरी है ठीक है तो एक बार ये नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार ये नोट डाउन कर लो एक बार ये नोट डाउन कर लो फिर आगे चलते हैं फिर आगे क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे मैं भी कल से फोटो खींच खींच के लगा दूँ यहाँ पे मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा फोटो खींच खींच के लगाता हूँ मैं यहाँ है ना तो तुम देख देख के पता लगा लो जितना ज्यादा लिखोगे ना उतना ही ज्यादा याद रहेगा तुम्हें हाथ का और दिमाग का सीधा कनेक्शन होता है तुम्हारे स्कूल में ज्यादा मार्क्स थे कॉलेज में कम हो गए रीजन कॉलेज में लिखना कम कर दिया एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा मैं है, है ना कॉलेज में लिखना कम कर दिया स्कूल में ज्यादा लिखा करते थे जब छोटे थे तो और ज्यादा लिखा करते थे मार्क्स ज्यादा आया करते थे दिमाग का और हाथ का सीधा कनेक्शन होता है लिखा करो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नोट डाउन किया करो बिल्कुल आ देते स्पीड और टाइम के बीच में भी है ना नेगेटिव रिलेशनशिप होगी जितनी तेजी से स्पीड बढ़ाओगे डेस्टिनेशन पर पहुंचने का टाइम है ना कम होता जाएगा और स्पीड कम रखोगे तो टाइम बढ़ जाएगा तो नेगेटिव रिलेशनशिप होगी ठीक है ये बीच में जो मैंने दिखाया ना था कि हमें रिग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है।, को को है कर लिया सब लोगों ने नोट डाउन ठीक है और नहीं किया ना तो अब इसको तुम, पिक्चर जो तुमने लिए ना उससे नोट डाउन करते रहना बात लेकिन ना, नोट डाउन किया करो नोटिंग हमेशा किया करो अच्छा हम पढ़ रहे हैं यहां पर रिग्रेशन एनालिसिस हम पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस हम रिग्रेशन एनालिसिस को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि है ना हमें फ्यूचर की वैल्यू चाहिए और को रिलेशन है ना मैं फ्यूचर की वैल्यू निकाल के नहीं देगा डायरेक्शन निकालने में फिर भी हेल्प कर सकता है तो हम पढ़ रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस अब दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन को रिलेशन रिग्रेशन में क्या रिलेशनशिप है मैंने तुम्हें बता दिया दूसरा क्वेश्चन रिग्रेशन एनालिसिस जब तुम पढ़ते हो तो तुम है ना बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड्स यूज करते हो क्या तुम मेरे को मेथड्स के नाम बता सकते हो क्या क्या है बस स्पियरमैन काल हाँ हा, काल पियरसन स्पियरमैन और एक होता है रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन वाला ही होता है अब तुम बोल रहे हो रैंक कोरिलेशन बोल रहे हो तुम साथ में ध्यान से सुनना ये सब तुम मेरे को है ना कोरिलेशन के मेथड्स बता रहे हो मैं कोरिलेशन के मेथड नहीं पूछ रहा हूं मैं रिग्रेशन के मेथड पूछ रहा हूं बी एक्स वाई बीवाई एक्स वाला मेथड है उसका नाम क्या है <laughs> बाउले नहीं बाउले है ना बाउले स्क्यूनेस में चलता है बाउले स्क्यूनेस में चलता है दो हाँ दो, मे... दो, दो मे... रिग्रेशन में है ना दो मेथड चलते हैं एक तो है काल पियर्सन मेथड काल पियर्सन मेथड है ना इस तरह का होता है तुम लिखना मत लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूं

क्योंकि यहां पर ये यह जो Bxy और Byx की वैल्यू निकालते हैं ना तो बी वैल्यू निकालने के लिए हम काल पियर्सन वाला मेथड यूज करते हैं और अगर तुम्हें काल पियर्सन पता हो तुमने है ना स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी जगह कालपियसन पढ़ा है कालपियसन को है ना दो चीजों से बहुत प्यार था एक तो एक्स बार से और एक स्टैंडर्ड डेविएशन से तो उसने हर अपने फॉर्मूले के अंदर है ना एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया हर फॉर्मूले के अंदर तुम तो स्क्यूनेस का फॉर्मुला उठाओगे उसने को, किया. तो उसके को रिलेशन का फॉर्मूला उठाओगे ना उसमें रखा और ये वाला फार्मूला भी उठाओगे ना तो डेविएशन को यूज रखा है पढ़ा होगा बी एक्स वाईज टू आर स्टैंडर्ड डिशन स्टैंड डिवि है ना ठीक है तो यह फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन का कार्ल पियर्सन के अलावा एक और फार्मूला चलता है रिग्रेशन एनालिसिस में जिसका नाम है स्क्वायर मेथड। रिग्रेशन में एक और मेथड भी हम यूज करते हैं जिसको बोला जाता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब काल पियर्सन जो है ना काल पियर्सन को रिलेशन या काल पियर्सन रिग्रेशन एनालिसिस वो हमारे काम का मेथड नहीं है यहां पर कैलकुलेशन करने के लिए क्योंकि है ना काल पियर्सन की कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती है बी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है फिर बीवाई एक्स की वैल्यू निकालनी होती है फिर उससे इक्वेशन दो इक्वेशन अलग अलग फिल करनी होती है फिर उसमें इधर उधर कुछ इंटरचेंज करना होता है तो है ना जब हम कलपियन मेथड यूज करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस का तो वो मेथड थोड़ा क्या है लेंथी हो जाता है तो इसी वजह से हम लोग है ना जो रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे ना वो बेस्ड होगा लीस्ट स्क्वायर मेथड पर तो हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस करने का लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करने वाले हैं यहां पर हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस के लिए लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज करने वाले अच्छा तो ये दूसरा क्वेश्चन था तीसरा क्वेश्चन जब हम लोग रिग्रेशन की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं या जब हम लोग रिग्रेशन सॉल्व करते हैं तो क्या रिग्रेशन सॉल्व करने के बाद कोई वैल्यूज निकल कर आती है क्या जैसे एक्स बार सॉल्व करें तो एक्स बार सॉल्व करने पर एक नंबर निकलकर आता है जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करें तो एक नंबर निकलकर आता है

तो regression analysis करने के बाद regression equations आती है और वो दो रिग्रेशन इक्वेशन एक होती 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 है y on X. होती है है, है। एक ठीक अब दो रिग्रेशन इक्वेशन में से हम केवल एक ही रिग्रेशन इक्वेशन यूज करने वाले हैं कारण उसका मैं बाद में बताऊंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम है ना रिग्रेशन एनालिसिस का लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करने वाले हैं और स्क्वायर मेथड को यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे वाई ऑन एक्स की वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन ही यूज करेंगे एक्स ऑन वाई वाली यूज नहीं करेंगे अच्छा ऑन एक्स का फुल फॉर्म तुम्हें पता है ऑन एक्स का फुल फॉर्म है वाई इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्स ठीक है ठीक है तो ऑन एक्स का फॉर्म है वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स अच्छा इसका ये मतलब है कि वेरिएबल वाई जो है ना वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है वेरिएबल वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और वेरिएबल वाई की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है और एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी है ना एक्स कितना भी चेंज हो सकता है लेकिन वाई का जो चेंज होना है ना वो डिपेंड करेगा एक्स के चेंज होने पर एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहां पर x जो है वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इनडिपेंडेंट होने की वजह से क्या है उसमें कितने भी चेंज हो सकते हैं वो कितना भी चेंज हो सकता है अपनी डिग्री पर x लेकिन y है ना अपनी डिग्री पर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि y जो चेंज होना है ना वो डिपेंड करेगा x में कितने चेंजेस हुए हैं तो y को यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है इसका मतलब ये होता है y और x का जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि हमें वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और हमें वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी एक्स की वैल्यू को यूज करते हुए क्योंकि हमें जब हम लीस्ट स्क्वायर मेथड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो जैसे बनाई जाती है एक्स माइनस एक्स पार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई पार ऐसे ही लीस्ट स्क्वायर में भी इक्वेशंस बनाई जाती है और मैं तुम्हें बताता हूं वो इक्वेशन क्या होती है वो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ये इक्वेशन होती है लीस्ट स्क्वायर मेथड में जब तुम इक्वेशंस बनाते हो ना जैसे काल पियर्सन में इक्वेशंस बनाते हैं ऐसे ही लीस्ट स्क्वायर में क्योंकि रिग्रेशन में इक्वेशन ही कैलकुलेट की जाती है तो लीस्ट स्क्वायर में जब इक्वेशन बनाते हो तो इक्वेशन बनती है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ठीक है ये हमारी मेन इक्वेशन होती है अब यहां पर है ना अब इस इक्वेशन को थोड़ा समझते हैं यहां पर इस इक्वेशन में एक्स और वाई हमारे पास में क्या हो गए दो वेरिएबल्स लेकिन यहां पर एक्स और वाई के अलावा भी दो और चीजें गिवन है एक तो है ए और एक है बी क्या तुम मेरे को बता सकते हो ए और बी का क्या मतलब होता है यहां पर तुम में से है ना मैं बताऊं मैंने इतने सारे क्वेश्चन पूछे मैंने तुमसे पूछा तुमने पढ़ा हुआ है हाँ आंसर दे सकते हो हाँ लेकिन तुम कितने आंसर दे पा रहे हो लगभग है है ना नेग्लिजिबल आंसर है तुम्हारी तरफ से ए और बी का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है ए का मतलब होता है ओरिजन या इंटरसेप्ट भी बोला जाता है उसको और बी का मतलब होता है स्केल या उसको बोला जाता है स्लोप बी का एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो स्लोप होता है हम उसको स्केल की तरह यूज कर लेते हैं लेकिन बी का एक्चुअल मीनिंग होता है वो स्लोप होता है और ये है ना एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि एक्स ऑन वाई में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है स्लोप की वैल्यू बताओ स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ तो है ना यहां पर है ना जो ए है ना ए को बोला जाता है इंटरसेप्ट एंड बी जो है ना उसको बोला जाता है स्लोप

क्या तुम इस इक्वेशन का टाइप बता सकते हो कि मेरे को ये इक्वेशन कौन से टाइप की है लीनियर हाँ हाँ सही बोलते हो पता नहीं क्यों तुम रुक जाते हो लीन चुप हो जाते हो ये इक्वेशन का जो टाइप है ना ये लीनियर इक्वेशन है स्क्वायर लग जाता है तो क्वाड्रेटिक हो जाती है क्यूब लग जाता है तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है तो ये जो इक्वेशन का जो टाइप मैंने यहां पे हाईलाइट किया हुआ है ये कौन सी इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है इसी वजह से जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ना तो तुम्हें पता लग रहा है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए हम लीनियर इक्वेशन को यूज करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करें लीनियर इसी वजह से जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ना इसका एक और नाम भी हो जाता है इसको है ना लीनियर इक्वेशन मेथड भी बोला जाता है लीस्ट स्क्वायर मेथड को एक और नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है जो है लीनियर इक्वेशन मेथड और इक्वेशन मेथड इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि स्क्वायर मेथड में हम इक्वेशन को यूज करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन क्या तुम लोगों को यह पता है क्या कि स्ट्रेट लाइन तो जब भी ग्राफ में लीनियर इक्वेशन प्लॉट की जाती है जब भी ग्राफ में लीनियर इक्वेशन प्लॉट की जाती है तो लीनियर इक्वेशन से जो कर्व बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन कर बनता है कैसा बनता है ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं मान लो ये हमारे पास में ग्राफ है यहां पर जा भाई। ये हमारे पास में ग्राफ है और मैं इस ग्राफ में कोई लीनियर इक्वेशन प्लॉट करना चाहता हूं तो लीनियर इक्वेशन प्लॉट होगी ग्राफ में कुछ इस तरह से लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से प्लॉट होगी यानी जो नंबर्स आएंगे ना वो इस लाइन पर ही होंगे एक्जैक्टली exactly. जो भी हमारे नंबर आएंगे वो इसी लाइन पर होंगे एक्जेक्टली exactly. ठीक है तो है ना इसी वजह से इस मेथड का एक और नाम भी हो जाता है जो हमारी लीनियर इक्वेशन मेथड है तो लीनियर इक्वेशन मेथड हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में प्लॉट करने पर उसका जो कर बनेगा वो कैसा बनेगा इसी वजह से इस मेथड का एक और नाम भी हो जाता है जिसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड स्ट्रेट लाइन मैथड स्ट्रेट लाइन मेथड ठीक है तो मैंने तुम्हें बता दिया यहां पर लीनियर इक्वेशन प्लॉट की जाती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स टाइप की इक्वेशन प्लॉट की जाती है ठीक है तो है ना देखो एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में है ना स्पेसिफिकली नहीं लिखा होता है कि कौन सा मेथड यूज करना है वो बोल सकता है कि फोरकास्ट करो रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करते हुए

तो वहां पर है ना बहुत बार ऐसा होगा पॉइंट ऐसे आए होंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे रेंडम पॉइंट आते हैं लेकिन अगर तुम उन रेंडम पॉइंट को मर्ज नहीं कर पाते हो या मैच नहीं कर पाते हो तो तुम क्या करते हो तुम एक बीच में से ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हो ऐसा कभी किया है करते हो करते हो हाँ तुम्हें याद नहीं है बस तुम ऐसा करते हो बहुत सारे पॉइंट्स सा आ जाते हैं और तुम्हें पता है कि बहुत सारे पॉइंट्स को है ना मैच करना इंपॉसिबल है क्योंकि है ना डेटा बहुत सारा होता है पॉइंट्स बिल्कुल पास पास में होते हैं तो तुम क्या करते हो उनको मैच करके ऐसा जिक्जेक्ट टाइप का कर्व नहीं बनाते है फिर तुम ना उनके बीच में से एक स्ट्रेट लाइन निकाल देते हो ठीक है इसी वजह से जो स्ट्रेट लाइन जाती है ना उसको एक और नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है पता है तुम्हें हाँ हाँ सही सुन रहा था मैं क्या बोल रहे थे तुम सही सुन रहा था बोलो क्या बोल रहे उसको बोला जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट इसको बोला जाता है ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है ये इसी वजह से स्ट्रेट लाइन को लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलने की वजह से इस मेथड का एक और नाम भी हो जाता है तो तुम लोगों ने अब तक चार फोटो तो खींच ली है ना लेकिन लाइन ऑफ बेस्ट फिट मेथड इसी वजह से इस मेथड का अरे अभी तो और भी पॉइंट्स बताने मेरे को तुम आप, तुम ऐसे जल्दबाजी मत करो हर एक पॉइंट पर एक-एक पिक्चर लोगे ना तो प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी लाइन ऑफ बेस्ट फिट मेथड वैसे ना पिक्चर है ना उसी को लेनी चाहिए जिसकी फोटोग्राफिक मेमोरी हो कि फोटोग्राफ देखने पर उसे याद रहे कि फोटोग्राफ में क्या-क्या चीजें थी और ऐसे है ना दुनिया में शायद 0.03% ही लोग होते हैं

मैं यहाँ पर पूरी चीज को डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो है ना स्क्वायर मेथड के अलग अलग नाम बोले जाते हैं तो, है? 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 तो इसके अलग अलग नाम होने की वजह से मैं तुम्हें सारे रीजन बता चुका हूं ऐसा क्यों होता है अब जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं ना तो फाइनली हमें एक्स और वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी में गिवन होगी हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी होती है स्लोप और इंटरसेप्ट तो स्लोप और इंटरसेप्ट के फॉर्मूले लिख लो तुम लोग तो A का फॉर्मूला लिख लो ए का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई अपॉन एन और बी का फॉर्मूला लिख लो यहां पर सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर अच्छा सिग्मा का मतलब तो समझते ही हो टोटल और एक्स और वाई की वैल्यूज है ना ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी तुम्हें ठीक है तो हम उन्हीं वैल्यू को यूज करके यहां पर इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाकर हम फोरकास्टिंग करें ठीक है क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे फिर वो हम कल वाली से कंटिन्यू करते हैं फिर एक बार ये नोट डाउन कर लो आज के लिए फिर इतना ही काफी